तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने स्मार्टफोन का रैम दिखा देता हूँ कि मेरे स्मार्टफोन का जो रैम है वो कितना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों के स्मार्टफोन में अगर 2GB 3GB का रैम है तो आप लोग कैसे रियल क्रिकेट 22 के कहाँ से इंस्टॉल एंड प्ले करोगे, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे स्मार्टफोन का जो रैम है वो है 3GB रैम है, ठीक है। तो गेमर, मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हो। पहले मैं चलता हूँ प्ले स्टोर के अंदर एंड यहाँ पर मैं अगर सर्च करता अपने रियल क्रिकेट 22 गेम को, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रियल क्रिकेट 20 सिर्फ आ रहा है एंड यहाँ पे रियल क्रिकेट 22 कहीं पर भी देखने को मेरे को नहीं मिल रहा है। तो 2GB 3GB रैम वाले भैया कहाँ से डाउनलोड एंड इंस्टॉल प्ले करेंगे, सब कुछ आप सभी को इस वीडियो के अंदर यहाँ पे बताने वाला हूँ। बट गेम में अगर मैं आप लोग को बता दूँ कि हमारी स्ट्रिक से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो बस यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम कर लेना है कि हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर से जरूर कर लेना है एंड सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल का आइकन दिखेगा उसको भी क्लिक करके यहाँ पर ऑल के ऑप्शन पर चुन लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक भी अगर नहीं किया तो फटाफट से अभी लाइक कर दो, क्योंकि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अगर आपके स्मार्टफोन का रैम 2GB 3GB रैम है तो आप लोग कैसे इंस्टॉल एंड प्ले करोगे इस रियल क्रिकेट 22 गेम को, सब कुछ आप लोग को इस वीडियो के अंदर यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि आप लोग कैसे रियल क्रिकेट 22 गेम को इंस्टॉल एंड प्ले करोगे अपने 2GB 3GB रैम के स्मार्टफोन के अंदर। तो सबसे पहले गेमर, आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपने स्मार्टफोन के यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है, ठीक है। आपके स्मार्टफोन में एक क्रोम ब्राउज़र होगा, उसे यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके सर्च बार में जाना है एंड यहाँ पे गेमर आपको सर्च में टाइप करना है JU। एंड जैसे यहाँ पे आप लोग टाइप करोगे जंगजू गेमर, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जंगजू गेमर .in JUNGJU GAMERZ, उसके बाद यहाँ पे .in लिख देना है, ठीक है। स्पेस कहीं पर भी नहीं है, जंगजू गेमर .in यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जंगजू गेमर .in यहाँ पे टाइप करके सिंपली यहाँ पे सर्च आउट करना है आप लोगों को एंड उसके बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको गेमर कहीं पर भी नहीं जाना नीचे की साइड में बिल्कुल भी, आपको यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट देखने को मिल रही है ना जंगजू गेमर वाली, आपको सिंपली इसी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही ओपन करोगे आप लोग तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे एक साइड में चलना है, ठीक है। और नीचे आपको यहाँ पे चलना है एंड और नीचे जाना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। और नीचे हम लोग चलते हैं एंड यहाँ पर आप लोग को एक देखने को मिलेगा पॉपुलर पोस्ट एंड यहाँ पर ये वाली जो पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है ना, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिकआउट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग इस पोस्ट को ओपन करोगे तो यहाँ पर गेमर आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते। तो हम लोग यहाँ पर अपने रियल क्रिकेट 22 गेम को यहाँ पे अपने 2GB 3GB रैम पे इंस्टॉल एंड प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे ओपन करेंगे इस वेबसाइट के एंड उसके बाद इस पोस्ट में आने के बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर नीचे की साइड में चलेंगे, ठीक है। नीचे चलेंगे हम लोग एंड यहाँ पर गेमर हम लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक ईयर 2 क्लिक ईयर 3 एंड यहाँ पर RC22 एंड यहाँ पर RC22 1GB 2GB 3GB रैम, ठीक है। तो ये वाला जो दिख रहा है ना ऑप्शन, आपको सिंपली यहाँ पे ये वाली दिख रहा है ना ब्लू कलर का, आपको सिंपली यहाँ पे टैप कर देना, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग तो रीडायरेक्ट हो जाओगे इस वेबसाइट के अंदर। APK प्योर की वेबसाइट है और यहाँ पे आप लोग को इस तरह का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे गेमर आप सभी को देखने को मिल जाएगा रियल क्रिकेट 22 गेम, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसे कैसे इंस्टॉल एंड प्ले करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे आप लोग को देखने को मिला होगा डाउनलोड XAPK और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो MB है इतनी जो इसकी साइज यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर हमको सिंपली यहाँ पे टैप आउट कर देना है, ठीक है। जैसे टैप करोगे आप लोग तो हो सकता है कि आपको ऐड देखने को मिले, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे इसे क्लोज करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा 2 से 3 सेकेंड वेट करना है, तो देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे कुछ सेकेंड रुकने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल गया है, पॉपअप आ चुका है नीचे की साइड में। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर तो हमारा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे मैं चल के दिखा देता हूँ कि हमारा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। एक मैंने पहले से ही कर लगाया था, इस वजह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट आप लोग यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग इस तरह से यहाँ पर डाउनलोड कर लेना अपने इस रियल क्रिकेट 22 गेम को एंड जैसे आप किसी APK को इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल इसी तरह इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लेना अपने स्मार्टफोन के 2GB 3GB रैम वाले स्मार्टफोन के अंदर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद
पसंद आई होगी गेमर, और आप लोगों को अगर इससे कोई भी हेल्पफुल मिली होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, तो बस यहाँ पर आपको एक काम ज़रूर से ज़रूर कर लेना है कि हमारी इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना है, ठीक है।